प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने कोटे के वर्ष 2021 से स्नातक, स्नातकोत्तर, चिकित्सा, दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों की सीटों पर पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 27% व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 10% आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। इस उपलब्धि पर 1 अगस्त 2021 रविवार दोपहर 1 बजे खरगोन भाजपा जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, पूर्व विधायक आत्माराम पटेल ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यालय सहमंत्री शेखर प्रजापति व जिला महामंत्री डॉक्टर विक्रम राठौड़ उपस्थित रहे। इस दौरान कसावत के पूर्व विधायक आत्माराम पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूर, किसानों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सौगात दी है, जिसकी उपलब्धि जन जन तक पहुँचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। क्या है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनी और एक संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है कि हम हर वर्ग का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो है सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार किसानों के लिए, उद्योगपतियों के लिए या मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बताई, छात्रों के सर्वांगीण विकास और उनका अच्छा अध्ययन हो इसके लिए भी अनेक योजनाएँ बनाई। सरकार का कमिटमेंट था कि पार्टी का कमिटमेंट था कि हर वर्ग को जो है आरक्षण में हम बरोबर लाभ देने का प्रयास करें, और इसी के तहत नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने पिछले 26 जुलाई को, अभी 26 जुलाई 21 को उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, और जिसके तहत मेडिकल क्षेत्र में जो अखिल भारतीय स्तर के ऊपर जो केंद्र सरकार का कोटा होता है उसमें पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए भी 10%, इस प्रकार का आरक्षण की व्यवस्थाएँ सरकार ने की है, जिसके तहत दोनों वर्ग के जो बच्चे हैं इनको, जो विद्यार्थी हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। 27% जो आरक्षण की बात चल रही है अभी अटका हुआ मामला, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कोर्ट में भाजपा की प्रदेश सरकारों से ही जवाब मिलेगी, क्या कहना है? नहीं, इसमें जो है पार्टी प्रदेश लेवल पे और जो हमारे स्टेट लेवल के ऊपर जो सरकार जो कोर्ट में जो जवाब दे रही, जो हमारे लायर हैं वहाँ पर अधिवक्ता सरकार के, वो अपना जवाब पेश करेंगे। कांग्रेस को इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर भी यही ड्यूटी मिली है कि सड़कों के ऊपर वो जन जागरण करे, तो वो कर रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।